हेलो गाइज, ये है एक्सेल के प्रैक्टिकल का पार्ट टू, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे इंसर्ट एंड पेज लेआउट। यानी कि हम टोटली क्या होता है कि उसके इंटरफेस के बारे में सीख रहे हैं कि क्या क्या इंटरफेस का मतलब जानते हो आप क्या होता है, कि हम उससे किसी चीज़ से रूबरू हो रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर से रूबरू हो रहे हैं। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, हम उससे रूबरू हो रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं। अभी हम ये नहीं सीख रहे हैं कि हम कैसे उसको यूज करेंगे, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि होम में क्या क्या चीज़ पाई जाती है। होम में क्या है, देखो, कट कॉपी, ये क्लिपबोर्ड में जो है, ठीक है। अभी आप कोई चीज़ लिखते हो, जैसे कि आप यहाँ पर आपने इंडिया लिखा, ठीक है। तो अब इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि इसकी साइज़, इसका फॉन्ट स्टाइल, यही सारी चीज़ें जो आपको मैंने वर्ड में बताई हैं कि इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। पर सिंपली देखो, आप यहाँ करोगे, इसके अंदर डबल क्लिक करोगे तो ये इसके अंदर हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको पूरा सेल सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली एक बार क्लिक कर दो, एक बार क्लिक करने से सेल पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। पर अगर आप डबल क्लिक करते हो तो हम उसमें एडिट करते हैं। डबल क्लिक मतलब सेल के अंदर एडिट करना, सिंगल क्लिक मतलब होता है कि सेल को सेलेक्ट करना, ठीक। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने सिंगल क्लिक किया और इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब हम चाहें तो इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये कर लिया, ऐसे चेंज हो गया, एजेंसी अब बी में आ गया और इसमें आ गया। अभी देखो, इसको साइज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो, साइज़ चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रो की हाइट जो है, जो विड्थ है, वो चेंज होती चली जा रही है, ठीक है। वेल, तो मैंने चलो 11 तक कर लिया। अब क्या होता है कि यहाँ से आप सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। यहाँ से आप उसके कलर को चेंज कर सकते हो, पेंट से आप कलर को चेंज कर सकते हो। आप उसके लेटर, यानी कि जो किस तरह से किस कलर में लिखा है, इसे भी आप चेंज कर सकते हो, करेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम नई चीज़ों से। ये तो हमारा हो गया फॉन्ट में, जो कि सेम है, वही सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा एम एस वर्ड में था। अलाइनमेंट भी आप वही काम करोगे कि लेफ़्ट टू राइट, अप एंड डाउन। देखो, आपको लेटर्स को क्या होता है कि ना, कि आप वर्टिकल लिखना चाहते हैं, रोटेट करके लिखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका अलाइनमेंट के अंदर पाया जाता है। यहाँ ये जो छोटे से बॉक्स होते हैं, यहाँ पर जाकर के आप बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो कि जब जब भी आप अपने एक्सेल सीट को खोलोगे तो ऐसे ही लिख के आएगा, उसको बार बार आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है होती है, ठीक है। मर्जर क्या होता है, मर्ज मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ मिलाना। जैसे कि ये आप देख लो, अगर मैं चाहूँ तो इतने सारे बॉक्सेस को एक बॉक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लो, मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो सिंपली देखो, एक सिंगल बॉक्स हो गया, ठीक है, ये सिंग एक बॉक्स हो गया। तो इस तरह से हम मर्ज एंड सेंटर, देखो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मर्ज एंड सेंटर, यानी मर्ज कर करके अब हम जो भी लिखेंगे इसके अंदर वो सेंटर में लिखेगा, ठीक है, ये सेंटर में लिखेगा। अभी कौन सा और ढेर सारे ऑप्शन क्या हो सकते हैं यहाँ पर, मर्ज ए क्रॉस, बस मर्ज कर देना पूरा सिंपली। नेक्स्ट क्या होता है, मर्ज सेल, सेल को सिर्फ मर्ज कर देना। और अनमर्ज सेल, यानी कि अनमर्ज मतलब कि जो चीज़ें हमने मर्ज करी थी उसको फिर से हम रिवर्ट बैक हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो ये हमारा सिंपली क्या हो गया, अब रिवर्ट बैक हो गया। अब ये सेलेक्ट एक एक सिंपली एक एक सेलेक्ट हो रहा है, गॉट इट। तो ये सिंपली क्या है, अलाइनमेंट के अंदर पाया जाता है मर्जिंग करना। अब यहाँ नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि आप करेंसी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं, अकाउंटिंग से या शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, ठीक है, और टाइम डेट, परसेंटाइल और फ्रैक्शन, या साइंटिफिक जो चीज़ें होती है, जो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप के, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और कुछ पहले से बने बनाए हैं, परसेंटाइल आपको लिखना है, क्लिक कर दो तो परसेंटाइल वाला ऑप्शन उसमें से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम जनरल यूज़ कर लेते हैं। देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि जब आप कोई टेबल बनाते हो तो उसको फॉर्मेटिंग मतलब कि क्या कहते हैं, उसको अट्रैक्टिव कहने के लिए। फॉर्मेटिंग का मतलब ही क्या होता है, चीज़ों को अट्रैक्टिव या अपने हिसाब से उसको एडिट कर लेना, ठीक है। कोई भी हम टेबल्स बनाएं और जिसमें हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं या उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से हो सकता है। टेबल के फॉर्मेट को भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी सोचो कि आप पूरे उस पर नहीं बनाना चाहते हो, मान लो ये पूरा एक्सेल सीट है, वहाँ पर आप नहीं बनाना चाहते हो, आप सिर्फ इतने पोर्शन या इतने एरिया में आप चाहते हो कि आपका जो है एक टेबल बने, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से सिंपली यहाँ से यूज करो, ए वन से यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया है, फिर आप क्या कर सकते हो कि स्टाइल में जाकर के आप टेबल के फॉर्मेट को यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपको आपने कोई एक सेलेक्ट किया,
तो उस तरह से आपका वो बन के आ जाएगा। ये देखो हमने टेबल के फॉर्मेट को चेंज कर लिया, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो कि आप सेल के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर एक सेल को सेल के स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि पूरे के पूरे जो सेल है उसके स्टाइल को हम चेंज कर लें तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो सेल का स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर एक सेल करना तो एक सेल, अदरवाइज पूरे पूरे जो है टेबल की स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे। इस तरह से कर लिया तो इस तरह से आ गया, ठीक है। और हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ओके, अभी बात ये हो गई। नेक्स्ट बात हो गई कि इंसर्ट करना, डिलीट करना एंड फॉर्मेट करना। इंसर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप चाहते हो कि ये रो है, जितने सारे रो हैं, अगर आप चाहते हो कि हमने गलती से तो भाई इतना कर लिया था पर एक रो ऐड करना हम भूल गए, तो मान लीजिए 7 के पास आपको 8 के पास या ऊपर नीचे कहीं भी ऐड करना हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप ये जो रो वाला जो है इंडेक्स है, इसे इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना। इंडेक्स के पास जा करके आप राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दो। जैसे इंसर्ट पे क्लिक किए एक रो ऑलरेडी ऐड होगा यहाँ पर, ठीक है। अब सेम काम वही करना है, अगर कॉलम मान लीजिए आप भूल गए हो तो जहाँ पर आपको ऐड करना है, मान लीजिए हमको जी के पास ऐड करना है, तो यहाँ पर इंडेक्स के पास हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे और वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमें डिलीट करना है तो सिंपली मान लीजिए जी को डिलीट करना है, तो देखो जी अभी डिलीट करेंगे ना तो वो जी आएगा, मतलब जी दिखेगा आपको, पर क्या है वो नंबर ऑफ रो जो है, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 रो है। अभी हम डिलीट करेंगे तो सिर्फ 12 ही बचेंगे और वो सीक्वेंस बना रहेगा, ठीक है। डिलीट कर दिया, देखो ए बी सी डी तो बना हुआ सीक्वेंस, पर नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 रो हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। उसका और भी तरीका है, ये तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि हो सकता है, और भी तरीका है, इंसर्ट में जा करके आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। इंसर्ट में जाएंगे एंड आप वहाँ से ऐड कर लेंगे, गुड। तो अभी आप नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये तो आपका हो गया इंसर्ट करना, ठीक है, सेल्स को इंसर्ट करना एंड फॉर्मेट करना। फॉर्मेट में भी आप क्या है कि रो एंड हाइट वगैरह आप उसको अपने हिसाब से लिख बना सकते हो। जैसे कि आप चाहो कि हम चाहते हैं कि ये जो 10 नंबर वाला रो है इसकी हाइट, इसकी विथ थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। तो अभी देखो जैसे हमने 10 पे गया, यहाँ दो जो जो 10 एंड 11 के बीच का जो पोर्शन, जो लाइन ड्रा की गई है, यहाँ पर देखो इसका चेंज हो रहा है, कर्सर का देखो स्टाइल चेंज हो रहा है। तो जैसे ही आता है उस पर आप प्रेस करके, और क्या करोगे, प्रेस करने के बाद आप इसको ड्रैग कर दोगे, खींच दोगे, ये देखो चौड़ा हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फिर से वही चला जाए तो फिर ऐसे आ जाएगा। सेम है, आपको क्या करना है कि कॉलम में भी करना है। देखो यहाँ पर मैंने किया तो इस तरह का आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर गया चेंज हो गया इसका कर्सर, और क्या हुआ, जैसे कर्सर चेंज होता है उसको हम प्रेस करके हम उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस हिसाब से हम अपने कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सेम एज रो के भी कॉलम एंड विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑटो सम के कुछ फॉर्मूले हैं, जो ऑटो सम वगैरह हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मतलब कुछ फंक्शंस हैं जो आप रिसेंटली यूज किए होते हैं, वो क्या होता है यहाँ पर शो करता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लेकर के आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। सॉर्ट वगैरह वही सेम काम है जो आपको वर्ड में मैंने बताया कि सॉर्टिंग करना ए टू जेड होता है ना, बहुत अच्छा होता है। कि क्या होता है कि आप अटेंडेंस लेनी होती है, और टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों के अटेंडेंस लेते हैं, तो वो नाम तो सब लिखा होता है। अगर आप चाहते हो कि नेम वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको करना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रेंडमली आप सभी का नाम लिख लो और उस रो को या उस कॉलम को सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट पर जाओगे। सॉर्ट पर जाने के बाद में यहाँ पर ए टू जेड या जेड टू ए या जिस हिसाब से जैसा भी चाहो उस तरह से आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, वहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं, फाइंड करके उसको रिप्लेस करना या बदलना है, अपने नाम की जगह किसी और का नाम लिखना है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट वाले। तो इंसर्ट में वही सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको एमएस वर्ड में बताए थे कि आप पिक्चर ऐड कर सकते हो, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो, शेप्स ऐड कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मज़ेदार बात आएगी जब मैं आपको भी आगे वाले वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से हम अपने डेटा को
कॉलम में या चार्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, आगे वाले वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह से मैंने अपने डेटा को, जो मैंने टेबल बना रखी है, उसको हम कैसे चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एप्लीकेशन हम आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। हाइपरलिंक क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई आपने सेल में कुछ भी लिख रखा है, अब आप चाहते हो उस पर क्लिक करके किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हो, तो क्या कहते हैं, क्या क्या कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इंडिया लिख दिया, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इंडिया पर एक हाइपरलिंक लगा दें। ठीक है, इंडिया पर एक हाइपरलिंक लगा दें, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे और हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ नीचे एड्रेस बार में लिख सकते हैं, और यहाँ जो टेक्स्ट दिख रहा है उसको हम चेंज करके और ओके कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे आप उस वेबसाइट पर तुरंत चले जाओगे। मतलब कि आपको नीचे वेबसाइट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उस पर क्लिक करना है और वो वेबसाइट पर चला जाएगा। आप उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हो, किसी भी सेल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हो, हेडर एंड फुटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर पेज में आप हेडर एंड फुटर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, वर्ड आर्ट को भी आप ऐड कर सकते हो, एज अ बैकग्राउंड फॉर्म में कर सकते हो, और आपके सीट के ऊपर दिखे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सिग्नेचर भी आपका ऐड हो सकता है, जो डिजिटल सिग्नेचर की हमने बात किया था, वो सारी चीज़ें। आप सिंबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जो कुछ सिंबल्स यूज होते हैं हमारे अर्थमेटिक में। ओके, तो ये चीज़ें हमारे इंसर्ट टैब के अंदर आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सेम है जैसे कि हमारा एमएस वर्ड में पाया जाता था। पेज लेआउट भी सेम है, वही चीज़ें हैं। आप थीम को चेंज कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो सकता है, मार्जिन वगैरह भी जो चाहिए आपको वो मिल सकता है, ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट चाहिए वो हो सकता है, साइज में क्या होता है यहाँ से आप जाकर के साइज बदल सकते हैं। ठीक है, ये बदलना मैं आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि आप वीडियो देख के सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हो। आप क्या करो कि अपने घर में या कहीं भी जा कर के आप उसको यूज करो। जैसे कि साइज अभी चेंज करना, तो साइज पे क्लिक किया हमने, अगर A4 पे क्लिक कर दिया तो A4 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो बाउंड्री आप दिखा रहे लाइन की, हाँ इसके अंदर जो चीज़ें लिखोगे वो A4 के अंदर आएगा, अदरवाइज वो नहीं शो करेगा। आप प्रिंट प्रीव्यू में जा करके वहाँ से चेक कर सकते हो कि जो हमने प्रिपेयर करी है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है, क्या वो A4 साइज में कम्प्लीटली शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अगर शो कर रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको सेटिंग के माध्यम से, ये जो लाइन होता है वो दिखाता है कि हाँ आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को लिखें तो वो कम्प्लीटली विजुअल होगा। गॉट इट, चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया मतलब क्या होता है, एक एरिया सेट कर देना कि जब उसके अंदर, ताकि हमें पता रहे कि हाँ हम उसी के अंदर जा रहे हैं, उससे बाहर तो नहीं जा रहे, कि वो प्रिंट एरिया के अंदर अंतर्गत नहीं आएगा। जब उसे प्रिंट करोगे तो वो उतना पोर्शन प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ साइज से सेट कर सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें एप्लीकेबल है। ओके, बैकग्राउंड में भी आप अपने कुछ पिक्चर्स भी या सीनरी भी, आप चाहो तो आप जो टेबल बना रहे हो उसके बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, और टाइटल वगैरह भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। देखिए ये लेआउट के अंदर अंतर्गत है, यानी कि पेज का सेटअप करना, पेज में बैकग्राउंड सेट करना, ये सारी चीज़ें, पेज ब्रेक करना एंड टाइटल, मार्जिन, ओरिएंटेशन, हाइट, विथ, ये सब का सब आपका, जैसे कि सेल की हाइट एंड विथ आपको सेट करनी है तो क्या हो जाएगा, ये इसी के अंतर्गत आता है आपका, किसके, पेज लेआउट के अंतर्गत आता है। होम पे आपको चीज़ें क्या होता है कि शॉर्ट में दे दी होती है कि आप उसको फ्रिक्वेंटली वहाँ से यूज कर लो, पर एक्चुअली ये किसके अंतर्गत आता है, पेज लेआउट के अंतर्गत आता है। ठीक है, फॉर्मूले में क्या है, आपको फॉर्मूले में मैं बता ही चुका हूँ कि सारी चीज़ें फॉर्मूले आप में यहाँ यूज होती हैं। फॉर्मूला आपको याद करने वाली ज़रूरत है कि फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, और क्या कहते हैं, मैथ के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल के, इंजीनियरिंग के, क्यूब के, इन्फॉर्मेशन के, ये सारी चीज़ें होती हैं। डेटा, डेटा क्या होता है कि जो आपने लिखा होता है, आपने जो डेटा आपने इंटर करी होती है, कोई आपने टेबल बनाया है, जितने सब कुछ, जो सब कुछ होता है वो सब कुछ डेटा ही कहलाता है। अब उस डेटा के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें फ़िल्टर करना। फ़िल्टर करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, 100 स्टूडेंट्स हो, अब फिल्टर मतलब क्या होता है कि अगर आपके टीचर ने कह दिया कि जो बंदा 50% मार्क्स पाया है वो खड़ा हो जाए और क्लास से बाहर चला जाए, बाकी सारे बच्चे बैठे रहो, तो क्या होगा, अब आप फिल्टर तो किया जा रहा है उसको, यानी कि उनमें छटाई की जा रही है। तो आप ऐसे अपने टेबल में भी कर सकते हो, आप उसमें कंडीशन लगा सकते हो कि दोज जो बंदे 60% से ऊपर और 80% से नीचे पाए हैं सिर्फ वही इसमें विजुअल हो, या फिर जो मैथ से हैं सिर्फ वही दिखें, जो साइंस से हैं सिर्फ वही दिखें। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे आप फिल्टर लगाएंगे और वहाँ से आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फिल्टर कैसे लगाया जाता है, अभी ये सिर्फ आपका इंटरफेस चल रहा है, आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे कैसे
क्या क्या चीज़ इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, रिव्यू क्या होता है, आप चीज़ों को देखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक या बला बला चीज़ें सब होती हैं। रिव्यू में क्या होता है, वही सारी चीज़ें हैं जो एमएस वर्ड में आपको मैंने बताया कि नॉर्मल व्यू या पेज लेआउट या फुल स्क्रीन व्यू जो चीज़ें होती हैं। आप चाहे तो फार्मूला बार आप उसको गायब कर सकते हो या ला सकते हो, हेडिंग जो है उसको गायब कर सकते हो या ला सकते हो, ग्रिड लाइंस आपको हटा सकते हो या उसको ला भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका व्यू के अंतर्गत आता है। और डिज़ाइन में क्या होता है कि अभी मैंने इसको हटा दिया तो डिज़ाइन वाला पोर्शन हट गया, यानी कि अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो डिज़ाइन आ गया। कहने का मतलब ये होता है कि जब हम कोई टेबल या कोई सेल को मॉडिफाई करते हैं तो उसको उसका डिज़ाइन टाइप अलग से खुल के आ जाता है, जिसको हम वहाँ से प्री डिफाइंड स्टाइल को चूज कर सकते हैं, फिर उसका हम कलर वगैरह जो चाहे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिज़ाइन का टैब। आगे वाले वीडियो में मैं कुछ फॉर्मूले को यूज करूँगा और उसको मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है, सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और भी बताऊँगा कि सीरीज बनाना, जैसे कि आपको संडे मंडे लिखना है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है संडे मंडे, एक दो लिख दो उसके बाद सारा का सारा सीरीज बनकर चला जाता है। कुछ सीरीज से संबंधित चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में आपको बताऊँगा उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।